क्रोध हवा का वह झोंका होता है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं बुझा सकता तो क्या, आग तो बुझा ही सकता है। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अपने पार्ट 24, ये है हमारा फटाफट रिवीजन। अब तक हमने लूसेंट नीरी वाली बुक में से जो भी पढ़ा, इस वीडियो के माध्यम से हम केवल उसका रिवीजन कर रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं कि हम कितना भूले, कितना हमको याद रहा। हमारी वो बुक जो हमने स्टडी करी थी वीडियो के माध्यम से, लूसेंट नीरी वाली बुक की, हमको अब तक भी उसमें से कितना परसेंट याद है, तो ये वीडियो आपको बताएगा कितना भूले कितना याद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, एक से लेकर के 68 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे पिछले वीडियो में। इससे जस्ट 23-22 पार्ट आप देखिए, 1 से लेकर के 68 क्वेश्चन तक वहाँ पे कवर हो जाएंगे। मैं करता हूँ अगले पार्ट की बात, 69। यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहते हैं? तो ये कहते हैं बेल्जियम को। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। अगला पॉइंट है 71। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की। और विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? बात कर रहा है वर्ल्ड की, तो ये है आपकी हडसन की खाड़ी। अगला पॉइंट है 73। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो वो है आपका कैस्पियन सागर। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एटलस परचेस करने के लिए कहा था, तो आई थिंक आपने परचेस कर लिया होगा, और उस मैटर पे मैं अब अगेन डिस्कस नहीं करूँगा। अगर कर लिया तो प्लीज एक बार बस ओपन करके कैस्पियन सागर कहाँ पर है वो देख लीजिए। 74 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैराज कहाँ पर स्थित है? तो ये है पाकिस्तान में। और 75 नंबर है, कोची भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? तो यह पश्चिमी तट पर। और चंबल नदी पर कौन से बांध स्थित हैं? तो ये है जवाहर, राणा सागर और गांधी सागर। देखिए, चंबल नदी पर जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के नाम जवाहर भी थे, जवाहरलाल नेहरू, राणा प्रताप आदमी का नाम है, और महात्मा गांधी आदमी का नाम है, पता होगा। तो जो भी पर्सनैलिटी से संबंधित नाम है, रियल लिविंग जो पर्सनैलिटी होती है उससे संबंधित जो भी नाम आपको दिखाई देंगे सागर के, तो वो सब कहाँ पर बने हैं? चंबल नदी पर। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। 77 नंबर पॉइंट हमारे सामने, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ पे? ब्रत निकोबार द्वीप में। 78 नंबर, भारत के किन राज्यों की सीमा है म्यांमार की सीमा से होकर के मिलती हैं? तो वो है आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्यों की। तो प्लीज़ एक बार इन सभी के लोकेशंस को आप एक बार अपने मैप में देख लीजिए। 79 नंबर है कि किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वह है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी, टोटल लेंथ है इसकी 2369 किलोमीटर। 80 नंबर है, टारस जल संधि की दो देशों को अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। 81 नंबर है, जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह है राजस्थान में। 82 नंबर, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। 83 नंबर है, अजीजिया विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, यह किस देश में है? तो यह आपका लीबिया में, उत्तरी अफ्रीका। 84, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो यह आपका वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका में। 85 नंबर है, गंगा डेल्टा के शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो यह आपकी राजमहल पहाड़ियां। 86, मालदीव किस महानगर के द्वीप समूह है? तो यह है आपके हिंद महासागर के। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका रायबरेली में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है क्या? इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। 90 नंबर है आपका, विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये आपका यूक्रेन में। और विश्व में लौह इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला केंद्र है आपका पिट्सबर्ग। 92, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और
कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वायुयान उद्योग के लिए। सागरमाथा के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है आपका एवरेस्ट पर्वत को। और विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है आपका सेंटोस। 96 जामनगर मतलब गुजरात में है ये। और कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है यहाँ पर? तो ये है आपके रिलायंस की रिफाइनरी कंपनी, गुजरात में है, याद रखना। 97 हमारे सामने है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है? मर्करेटर प्रक्षेप पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो ये करी थी जेम्स कुक ने। और भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो वह आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसराइल के किन देशों के साथ उपघनिष्ठ सीमा रेखा है? तो यह है आपके लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। 102 नंबर है, पाकिस्तान की रचना किन दो नदियों के दोआब के बीच में स्थित हुई? तो ये आपके चिनाब एवं रावी के बीच में। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो वो है आपका गोंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 104 है, भारत में मस्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है बकरी से। देखिए, मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि आपसे हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 से अधिक बार पूछा गया है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपकी मुलाकात या फिर आपका रूबरू इन किसी भी एक क्वेश्चन से हो सकता है, तो प्लीज आप भूलना मत। और भूलने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा वीडियो के एंड में, इसी वीडियो में से आज। चलिए देखते हैं आपको कितना याद रहा। डिट्टो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आप मुझे उसका आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। 105, अल्फाफा क्या है? भाई अल्फाफा जो है एक प्रकार की घास होती है। 106, क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में। 107, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। 108, क्योरोसिवो कैसे जल की धारा है? तो ये है आपकी गर्म जल धारा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर बात करिए जल धारा की, तो कहीं ना कहीं समुद्र से संबंधित कुछ होगा, ये कुछ होगा क्या होता है, ठीक है। और समुद्र की गहराई का मापक जो होता है वो होता है फैदम में, और 1 फैदम इक्वल होता है हमारा 6 फीट के, ही आपको पता होना चाहिए। अगर बात करी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर, फिर आता है आपका अटलांटिक महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, फिर आता है आपका आर्कटिक महासागर। अगर बात करी जाए गहराई के मामलों में, तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा, नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे करेंगे कमेंट, क्योंकि पिछले किसी एक वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था। देखिए, कमेंट्स करने के लिए मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और आपको हर एक का रिप्लाई एक्चुअली करना भी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आपको कितना याद रहा। फाइनली बात ये है कि आपको ये पता रहेगा कि आपने पिछला वीडियो देखा, अगला वीडियो आप देखने बैठ गए हैं और पिछला आप भूल रहे हैं, तो बताइए कैसे काम चलेगा। तो देख लीजिएगा अपना, जैसे भी आपको अपना चेकिंग करनी है, अपने आप को चेक करना है। अपने को चेक करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। एक तो होता है कि रियल एग्जाम में बैठते हैं, फेल हो जाते हैं, कट ऑफ बहुत नीचे हम लोग पाते हैं अपनी, तो तब आंखें खुलती हैं। या फिर यूट्यूब का कोई भी वीडियो वॉच करा, वहां पर उसने क्वेश्चन पूछा, तब आंखें खुल गई। और कुछ लोगों की आंखें किसी भी एंगल से खुल नहीं पाती है, आंखें तब खुलती हैं जब एज हाथ से निकल जाती है, या फिर घर से फायरिंग होती है, बेटा प्राइवेट जॉब कर ले, टाइम बहुत हो गया, थिंक अबाउट इट। मेरी बातों में प्लीज थोड़ा सा विचार करिएगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। 109, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो वो था आपका माउंट पिनेटुबो। 110 नंबर है, कनाडा के मध्य अक्षांशी घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाता है आपका प्रेरीज। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। देखिए, मेरी बात आपने जो भी सुनी होगी उसमें अगर आपको लगता है कि ठीक है, रिप्लाई करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, तो करिए प्लीज़। और एक क्वेश्चन आज का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो इस वीडियो से तो संबंधित नहीं है, लेकिन पिछले किसी एक वीडियो में मुझे पता है कि शायद 22 या 19 18 था, कोई ऐसा ही वीडियो था वो। तो मुझे एक चीज बताइए क्वेश्चन में कि त्रिभुज के आकार की आकृति किस महासागर की है? चलिए, एस आकार की आकृति मैंने पूछी थी आपसे, काफी सारे बच्चों ने कमेंट करा था। तो आज का फाइनल इस वीडियो में मेरा क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज आकार की आकृति किस महासागर की है? तो महासागर का नाम, 4 ऑप्शंस तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप खुद देखिए, सोचिए और उसका रिप्लाई करिए।
आई थिंक आप लोग पक्का रिप्लाई करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और प्लीज़ अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, तो वन लाइनर जीके की प्लेलिस्ट में जाइए और वो सभी वीडियो वॉच करिए। थैंक्स।